हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम HSSC CET री एग्ज़ाम 2024 की एक नई अपडेट देखेंगे, एक नई जो है न्यूज़ जो है खबर वो है वो पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा इस अपडेट के लिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है उसने उसकी डबल बेंच ने जो था फैसला दिया था कि एग्ज़ाम जो है वो वापस से अगेन जो है वो दोबारा लिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो खबर अखबार में आई है वो क्या आई है वो पढ़ लेते हैं। तो अपडेट ये है कि दिया गया है कि HSSC सुप्रीम कोर्ट में भले जाए मगर हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार भर्ती पूरी कर ले। यानी कि HSSC ने भी ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में बेशक चली जाए लेकिन जो है हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार भर्ती जो है वो अब पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर क्या खबर है, तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के बिजली निगमों के सहायक अभ्यर्थियों की भर्ती में 20, ग्रुप सी की भर्ती में 7.5 और ग्रुप डी की भर्ती में 5 अंक देने की नीति रद्द कर दी। हाईकोर्ट के ने इस असंवैधानिक बताया। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गलियारे में चर्चा रही है कि सरकार भले ही सुप्रीम कोर्ट में जाए मगर हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती पूरी कर ले। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा उसके अनुसार बाद में परिणाम संशोधित हो सकता है मगर हाईकोर्ट के फैसला लागू करे बगैर अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कोई राहत नहीं दी तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की लगभग 60,000 पदों की भर्ती बीच में फंस जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये भर्ती हाईकोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग नहीं हुई और अगर बिना इस एग्ज़ाम कराए अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई राहत नहीं देता तो जो 60,000 बच्चे हैं पदों पर भर्ती जो है वो फंस जाएगी, वो बीच में अटक जाएगी। वैसे ही भर्ती जो है वो डिले है और डिले यहाँ पर होने के चांसेस हैं, और ये 99.99% चांस है कि भर्ती अगर सुप्रीम कोर्ट में चले गए ऐसे ही तो ये भर्ती जो है वो डिले हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग पहले सोचेगा उसके बाद कोई फैसला देगा। और 99% चांसेस ये रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ये फैसला दे दे तो सुप्रीम कोर्ट सीधा इसे रद्द कर देगा, सुनेगा ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। कहता है कि अभी ग्रुप सी के 20 ग्रुपों के 10,233 और ग्रुप डी के लगभग 10,300 पदों की चयन सूची जारी रखी है और जारी हो रखी है। इनमें से कुछ चयनित उम्मीदवार नियुक्त भी हो गए हैं। जिनकी चयन सूची जारी हुई है उन्हें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं है। ग्रुप संख्या 1-2 के लिए नॉलेज टेस्ट हुआ है, उसमें दोनों तरफ शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार शामिल हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार ग्रुप संख्या 1-2 का भी रिजल्ट जारी हो सकता है। इसके लिए उन उम्मीदवारों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर नॉलेज टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होते हैं। इन उम्मीदवारों का कहना है कि इसलिए ग्रुप 1 और 2 का भी दोबारा नॉलेज टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो ग्रुप 56-57 के उम्मीदवार भी रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं मगर चूंकि 4 गुना शॉर्टलिस्ट करते समय सीईटी स्कोर को मानदंड माना गया था इसलिए ग्रुपों का पेपर दोबारा लेना ही पड़ेगा। गलियारों में कहा जा रहा है कि सरकार ने यूं तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक पहले भी दिए थे जिसे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सही ठहराया था, मगर दिक्कत तब हुई जब सीईटी लागू किया और सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अनुसार के अंक जरूरी कर दिए और अंक लेने का दावा करने वाले उम्मीदवारों की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराई। जी हाँ, यही मेन मुद्दा ये है, जिन्होंने अंक लिए हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई ही नहीं, इसलिए जो था ये केस पड़ा, क्योंकि लोगों ने झूठे सर्टिफिकेट बनवा के ये अंक लिए और जॉब को जो था वो पा लिया, जो डिजर्व भी नहीं करते उन्होंने भी इस जॉब को जो था गलती से ले लिया। क्यों? क्योंकि झूठे सर्टिफिकेट बना के ये अंक लिए गए थे इसलिए ये भर्तियां फंस गई। गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकार उन गरीब परिवारों के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला सही हो सकता है मगर ये अंक तभी दिए जाने चाहिए जब पूरी तरह फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी इनकी। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कर्मचारी चयन आयोग से सही कहा था कि इन अंकों का वेरिफिकेशन के बाद सीईटी स्कोर दोबारा जारी किया जाए।
उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, मगर सरकार के ने सिंगल बेंच के फैसले पर अपील दायर कर दी और भर्तियां फंस गई। अब हाई कोर्ट के इन अंकों को असंवैधानिक करार दे दिया। गलियारे में कहा जा रहा है कि इस समय टीजीटी के 75-75 यानी कि 7575 पदों का रिजल्ट इसी चक्कर में रुका हुआ है। जो टीजीटी का जो रिजल्ट आना है वो भी अब रोक दिया गया है। पुलिस में सिपाही के 6000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है, ये पद विज्ञापित हो चुके हैं। ग्रुप सी के ग्रुप नंबर 5657 के अलावा 32 बचे ग्रुपों के लिए नॉलेज टेस्ट बकाया है। ग्रुप डी के भी बकाया 2000 पदों और करीब 3000 चयनित उम्मीदवारों के ग्रुप डी में ज्वाइनिंग ना करने से 3000 पदों के रिजल्ट जारी होने हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अटक गई हैं सिर्फ इन अंकों की वजह से, और ये हट भी जाने चाहिए इन फ्यूचर के लिए। अगर ये नहीं हटे तो इसी तरह से भर्तियाँ जो हैं वो हाईकोर्ट में जाके अटक जाएंगी, और इसी तरह से तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, इक्वलिटी आएगी कि ये इनको हटा दिया जाए, इन पांच अंकों को हटा दीजिए, मेरा मानना ये है। इसलिए सरकार हाईकोर्ट के फैसले को तुरंत लागू कर दे, बिना देरी के 60,000 पदों की भर्ती 3 महीने में पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपको टाइम पीरियड बता दिया गया, अब आपके पास सिर्फ 3 मंथ का टाइम है। 3 मंथ के बाद विधानसभा के इलेक्शन है, ठीक है ना, 3 महीनों के अंदर अंदर इनको 60,000 पदों पर जो है वो भर्ती पूरी करनी है, और वो करके रहेंगे क्योंकि इनको आपसे वोट चाहिए। गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकार गरीब परिवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने की अपनी नीति को सुप्रीम कोर्ट में जारी रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहेगा, लेकिन अब ये 3 महीने के अंदर अंदर आपके पास 60,000 पदों पर फिर से आपको सीईटी देना पड़ेगा, चाहे वो ज्वाइनिंग वाले हैं या नहीं है। जो ज्वाइनिंग वाले हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको जो जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी, जो मतलब जो अभी जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी वो अभी पढ़ाई के टच में होंगे तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दिक्कत उनको आने वाली है जो अब ज्वाइनिंग पे थे और पढ़ाई छोड़ चुके थे। गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन और सदस्य निरंतर सरकार बनाकर रखी जाती है, देखा इन्होंने ये बात बोल दी है, अगर निरंतर सरकार बनाकर रखी जाती है तो चल रही 60,000 पदों की भर्ती जल्द पूरी हो जाती है। मैं आपको बोल चुका हूँ 3 महीने का टाइम है, इनको आपसे वोट चाहिए, इनको सरकार में बने रहना है। तत्कालीन चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री और तत्कालीन सदस्य कमलजीत सैनी ने इतनी फंसी हुई भर्ती को सिरे लगाने का प्रयास किया था, और ग्रुप सी के 10,233 और ग्रुप डी के 10,300 पदों पर बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों का रिजल्ट जारी किया था। ग्रुप एक और दो के लिए शॉर्टलिस्टेड भी इस आधार पर किए गए थे, मगर सरकार ने भोपाल सिंह खत्री का इस्तीफा ले लिया और अन्य सदस्यों का कार्यकाल अपने आप समाप्त हो गया। अब हिम्मत सिंह को चेयरमैन लगाया जाना है, जबकि सदस्य भी नियुक्त किए जाने हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि नए चेयरमैन और सदस्यों के कार्यप्रणाली समझने में समय लग जाता है। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए पुराने आयोग को बहाल कर चल रही भर्तियां पूरी कर लेनी चाहिए, अन्यथा वह युवा बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि इस साल हर साल सीईटी होना था, मगर अभी एक बार ही हुआ है। जो युवा नया सीईटी देने के लिए पात्र हो गए हैं उन्हें भी सीईटी में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, अब जो नए बच्चे आए हैं वो भी शायद इस सीईटी में बैठेंगे तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। 60,000 पद तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर इन 60,000 पदों के लिए 2 लाख बच्चों ने पहले, मान लीजिए 2 लाख बच्चों ने जो था वो सीईटी दिया था, अब जो है वो बढ़ के 4 गुना हो, 4 लाख हो जाएंगे, क्योंकि नए बच्चे भी अब इसमें शामिल होंगे। ग्रुप डी के लिए भी नए पात्र युवाओं को मौका मिलना चाहिए। गलियारे में कहा जा रहा है कि सीईटी अगर लेना जरूरी है तो इसे क्वालिफाइंग टेस्ट बनाया जाना चाहिए, जो पास हो उन सभी का नॉलेज टेस्ट बैठने का मौका मिलना चाहिए। जो पास होंगे उनको सभी को जो है वो नॉलेज टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा। कुछ युवा चाहते हैं कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक होने ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, वो ये होने ही नहीं चाहिए। जो काबिल है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, उसको ही जॉब मिलनी चाहिए। मगर भाजपा नेताओं का कहना है कि यह पार्टी लाइन है कि अंत्योदय की भावना को रखते हुए समाज के में सबसे गरीब परिवार तक सरकारी नौकरी फायदा पहुंचाना चाहती है। तो ये खबर थी, ठीक है ना। तो मेरा कहना ये है कि जो बच्चे अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, तो वो ऐसा ना सोचें। पेपर 100% होकर रहेगा, ये कन्फर्म है। 3 महीने का आपको टाइम दिया गया है, 3 महीने में इंडायरेक्ट इन्होंने बता दिया कि 3 महीने का टाइम है, और 60,000 पदों पर अब जितने बच्चे पहले सीईटी में बैठे थे अब उससे और ज़्यादा बच्चे सीईटी में आने की संभावना है, क्योंकि जो नया सीईटी आएगा उसमें नए बच्चे भी आएंगे, अब तो कंपटीशन और बढ़ेगा।
और ये अब जो खेल होगा वो सिर्फ 95 मार्क्स का होगा, 95 मार्क्स में से आपको जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये खबर मैंने आपको बतानी थी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है, जानकारी भी यूज़फुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी आपके पास वीडियोज़ लेके आएंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।